के साथ आपने शुरुआत की और उसके बाद जिक्र किया कि आधुनिकता के साथ परंपरा का साम्य है। और जब हम परंपरा की बात करते हैं तो गांधी जी याद आते हैं, आधुनिकता की बात नेहरू जी याद आते हैं। तो ये माना जाए कि जो आपका बजट है इन दोनों के मूल्यों को समाहित किए हुए है। बिल्कुल सही बात है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुर्भाग भवेत। और परंपरा और आधुनिकता ये दोनों के लिए भी ये समावेशी बजट है, जिसमें ये बजट है वो सब सबके लिए संजीवनी का काम करेगा, चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों, किसान हैं, मजदूर हैं, ये सबके लिए संजीवनी का काम कर रहा है, चाहे युवा हो। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज, जब आपका फोकस है वो एग्रीकल्चर पर है, किसानी पर है, सिंचाई पर है, आप बल्कि जो जैकेट पहने हुए उसका कलर भी आमतौर पर जो छत्तीसगढ़ में किसान गमछा पहनते हैं उसी के कलर से मिलता जुलता है, तो खास इसीलिए चुना था क्या इसको? और दूसरी चीज की जो क्या कुछ देखते हैं कि ये समझा जाए क्या कि दरअसल डेवलपमेंट का एक नया मॉडल आप पेश कर रहे हैं जिसमें जो समृद्धि का रास्ता है, विकास का जो रास्ता है, वो खेत से और गांव से होकर के गुजरता है। बिल्कुल सही आपने कहा कि छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है, लेकिन सिंचाई क्षमता केवल 13 लाख है, 1,35,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ छत्तीसगढ़, और सिंचाई क्षमता बहुत कम, तो उसे बढ़ाना कैसे है? लोगों का जो ध्यान है कृषि की तरफ आकर्षित करना है, कृषि को लाभकारी। और हमने पिछले साल से ही जो स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है जिसमें किसानों का आय दोगुनी होने चाहिए, हमने उसे कर दिखाया है, छत्तीसगढ़ में किसान के आय दोगुनी हो चुकी है। और ये किसानों का बजट है, गांव का बजट है, आदिवासियों का बजट है, अनुसूचित जाति के लोगों का बजट है, सबका बजट है। और ये जो आपने कहा ना, ये उसी प्रकार के नहीं है, ये किसानी गमछा से ही बना हुआ जैकेट है, जिसे मेरी लड़की ने बनवा के दिया था पिछले साल, और इसलिए आज ये पहना हूं मैं। सिंचाई पे आपने दोगुने का लक्ष्य रखा है, इससे पहले आप लोग ये लगातार सवाल भी उठाते रहे हैं कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई सिंचाई की बड़ी योजना शुरू नहीं की, तो इससे किस तरह के लक्ष्य, खासतौर से बस्तर और सरगुजा में देख रहे थे कि कई नए जलाशय बनाने का आपने प्रावधान किया है, तो कब तक इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, कब तक ये जाएगा और क्या सोच क्या है इसके पीछे? देखिए, 15 सालों में सिंचाई के नाम से हजारों करोड़ रुपया फूंक दिए गए, लेकिन वास्तविक रकबा में कोई वृद्धि नहीं हुई है, वो उतने की उतना ही है। तो वास्तविक रकबा बढ़ाने के लिए हमने नई योजना भी शुरू की है, और उसके साथ साथ जो पुरानी जो योजना है उसे पूरा करेंगे, और वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में भी काम करेंगे, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ किसानों को अवर्षा की स्थिति में अकाल से जूझना ना पड़े, उसे किसी प्रकार की परेशानी ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश भी पर्याप्त होती है। हमारे पास 30,000 नाले हैं, 150 से अधिक नदियां हैं, लेकिन हमारे किसान के खेत सूखे रहते हैं, एक पानी नहीं गिरा तो अकाल के चपेट में आ जाते हैं, जमीन बेचना पड़ता है, मवेशी बेचना पड़ता है, अब तो मवेशी भी कोई खरीदता नहीं। तो आखिर किसान छत्तीसगढ़ में इतने समृद्ध धरती है, लेकिन 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, तो ये बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को दूर करने के लिए इस प्रकार की योजना बनाया। अच्छा, एक और चीज की जो खास नजर है सबकी, वो करीब 5,000 करोड़ रुपए के अलॉटमेंट पर है, जिसका इंतजार यहाँ के किसानों को था कि अंतर की राशि कैसे मिलेगी, तो कब से ये अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा और क्या स्वरूप होगा? भाई, विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है, बजट पारित होगा, 1 अप्रैल के बाद से शुरू हो जाएगा। स्वरूप क्या होगा, मतलब किस तरह से देंगे, और इसमें क्या ये पर्याप्त फंड होगा या आने वाले समय में और भी फंड की जरूरत पड़ेगी? यदि फंड की जरूरत पड़ेगी तो और भी देंगे, लेकिन किसानों को हम कम नहीं देंगे। जितना 2500 बोले थे, जो अंतर की राशि है वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से दी जाएगी। अच्छा, इसमें पर एकड़ के हिसाब से जैसा आपने धान खरीदी की है उसी आधार पे होगा या प्रति किसान के आधार पे होगा? प्रति किसान के हिसाब से 6,000 भारत सरकार दी है, 23 लाख किसान रजिस्ट्रेशन कराए हैं, और मिल रहा केवल 78,000 किसानों को, ये 34 किस्त दे भी नहीं पाई है भारत सरकार। हम तो इस समय 19 लाख किसानों के जो रजिस्ट्रेशन कराए उसमें 18 लाख किसान धान बेचे,
वो सब किसानों को प्रति क्विंटल के हिसाब से हम देंगे। अच्छा एक और चीज की नरवा गरवा बारी का जो स्कीम है आपकी महत्वाकांक्षी योजना, उसका सेकेंड फेज शुरू हो रहा है, अब नरवा उपचार का जिक्र भी है, तो ये लोग समझना चाहते दरअसल कि ये उपचार क्या है, कैसे, क्योंकि जल संरक्षण की बात तो आप बार बार करते रहे हैं, लेकिन नरवा उपचार किस तरह से होगा? ये वही है, नरवा उपचार मतलब जो वहाँ स्ट्रक्चर खड़ा होगा और वाटर रिचार्जिंग के प्रोजेक्ट बनेंगे तो उसके लिए हमने स्वीकृति प्रदान कर दी है और वाटर रिचार्जिंग काम करेंगे, ताकि वो जो जो सूख जाता है हमारे नदी नाले उसको उपचारित करना 12 महीना भरे। नदी नाले क्या है, यदि सूखा है तो फिर वो बीमार है, यदि वहाँ पानी बह रहा है तो जीवित है, तो हम उसको जीवित करना है, उपचारित करना है, तो हमारे नदी नाले भी हम वो उसको कोई मृत जैसे नहीं देखते, उसको भी जीवंत देखते हैं। तो जीवंत तब होगा जैसे कोई पेड़ है उसमें हरा भरा रहेगा तो जीवंत है, सूख गया तो मर गया। नदी नाले भी हमारे सूखे हैं, उसको उपचार करेंगे, जीवित करेंगे, ताकि 12 महीने उसमें पानी भरे। अच्छा एक और चीज की गौठान को उसका दायरा जाहिर तौर पर बढ़ेगा और उसके लिए भी आपने अलग से अलॉटमेंट किया हुआ है, क्या है? मतलब इस साल क्या कुछ होगा उसमें, क्योंकि पिछले साल सबकी नजर थी, पूरे देश की नजर थी कि क्या कुछ होता है इसमें, इस साल क्या कुछ होगा? देखिए ये हमारे 11,000 पंचायत हैं, 20,000 गांव हैं, और अभी हम लोगों ने पिछले साल 2,000 गांव में निर्माण किए, इस साल 4,000 हमारे टारगेट है और उसको हम पूरा करेंगे, ताकि जो खुले में मवेशी घूम रहे हैं वो बंद हो, किसानों को नुकसान ना हो, शहर के लोगों को नुकसान ना हो, और उससे लोगों को रोजगार मिले, जो पशु है वो हमारे लिए अलाभकारी ना हो, लाभकारी हो, उससे दूध उत्पादन कैसे बढ़े, गोबर से हम कैसे वर्मी खाद बनाए और लोगों को लाभ मिले, और जो जमीन है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़े, तो ये योजना लेके हम चल रहे हैं। और प्रत्येक गौठान समिति जो क्रियाशील होगी उसको 10,000 रुपये प्रति महीने देंगे। ये पैरे की भी समस्या का समाधान करने की कोशिश? बिल्कुल, जो आज पैरा जलाने से जो प्रदूषण फैलता है उसको हम संगठ एकत्रित करेंगे और वो उसके लिए भी पिलर का हम राशि स्वीकृत कर रहे हैं, ताकि जो पैरा इकट्ठा भी कर सकें और गौठान तक पहुंचा सकें। एक और चीज की भाई, इस बीच में आपने बस्तर में बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है कि मलेरिया मुक्त किया जाए, एनीमिया से लड़ने का और कुपोषण से लड़ने का अभियान तो चल ही रहा था, इसके साथ क्या चेंजेस इससे बस्तर में हो सकता है, क्या देखते हैं? देखिए बहुत सारे जो कुपोषित बच्चे हैं या महिलाएं हैं उसका कारण भी एक मलेरिया हो सकता है, वो भोजन तो पर्याप्त कर रहे हैं लेकिन यदि मलेरिया से ग्रसित है तो वो कुपोषित हो सकता है, और इसलिए 13,25,000 लोगों का हमने उसके खून की जांच की, और बहुत सारे लोग हैं जिसको बुखार भी नहीं आता लेकिन मलेरिया से पीड़ित हैं, ऐसे भी लोगों को चिन्हित किया गया, और ये भी देखा गया कि उसमें 4,000 गर्भवती महिलाएं हैं जो मलेरिया पीड़ित हैं लेकिन उनको पता ही नहीं मलेरिया है, तो ऐसे लोगों को उपचार करेंगे ताकि मलेरिया मुक्त बस्तर करेंगे, तो एनीमिया से भी लड़ाई में सहयोग मिलेगा, सिकल सेल से भी लड़ाई में हमको सहयोग मिलेगा। अच्छा इस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, जो आपका एक चुनावी वादा था। रोजगार कैसे नहीं मिलेगा, किसानों को यदि पैसा दे रहे हैं तो रोजगार तो सृजित होगा ही, क्योंकि वो पैसा मार्केट में आएगा, व्यापार चलेगा, व्यापार चलेगा तो उद्योग के पहिए घूमेंगे, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, फिर दूसरा लघु वनोपज से जुड़े हुए हम छोटे छोटे उद्योग लगाएंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे, उसमें रोजगार सृजित होगा, बायोइथेनॉल प्रोजेक्ट हम लगाएंगे उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, और साथ ही साथ हम शासकीय सेवाओं में भी लगातार भर्ती करते जा रहे हैं, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा एक और महत्वपूर्ण इंतजार था कि शिक्षा कर्मी जो बचे हुए थे जुलाई से वो शायद खत्म हो जाएंगे, जो अनाउंसमेंट आपने किया है, तो ये माना जाए कि प्रदेश एक रोल मॉडल बनेगा जहां पे अस्थायी शिक्षक नहीं होंगे बल्कि समान वेतन समान काम के हिसाब से इस नीति को अपने जहन में रखते हुए कि आने वाले समय में भी अब डायरेक्ट, जैसा कि आपने लास्ट टाइम भर्ती की है कि डायरेक्ट शिक्षक के पोस्ट पर लोगों को भर्ती की है, तो ये खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, अब आने वाले समय में जो भर्तियां होंगी वो स्थायी शिक्षकों की होगी? जी हाँ, और आपने शायद कहा, शायद नहीं हो, हमने बजट में शामिल किया है, मतलब वो जो 16,000 जो शिक्षा कर्मी थे जो 2 साल
पूरा कर चुके हैं, उसका संविलियन 1 जुलाई 2020 को हो जाएगा। अब कोई शिक्षा कर्मी 1 जुलाई 2000 के बाद कोई नहीं बचेगा, पूरे प्रदेश में सारे शिक्षक होंगे। हमारे प्राथमिकता में शिक्षा है, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग अच्छे नागरिक बने, रोजगार भी मिले, देश विदेश में नाम भी हो। अच्छा, एम्स और आईआईएम से जो निकले हुए बच्चे हैं उनकी शुल्क माफी का आपने ऐलान किया है, और दूसरी चीज कि उनको डायरेक्ट नौकरी भी ऑफर कर रहे हैं। आपको लगता है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से एजुकेशन लेते हैं वो बाहर चले जाते हैं, तो आप डायरेक्ट उनको अगर रोजगार देंगे तो आपके यहाँ वो रुकेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे जो बच्चे उसके एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं होते कि उनका फीस जमा कर सके। खर्चीला आजकल शिक्षा हो चुका है, ऐसे में ही उसका पूरा जो शुल्क है वो छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। और दूसरा, जो छत्तीसगढ़ की सेवा करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो उसके लिए रोजगार के भी अवसर हैं। जब बाहर जाते हैं तो उसके लिए तो पूरा आसमान खुला है, और यदि छत्तीसगढ़ माता की सेवा करना चाहते हैं तो उनके स्वागत है। कृषि विश्वविद्यालय का एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें आपने इस बात पर चिंता जाहिर की थी कि यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्च हो रहे हैं उससे किसान क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, और इस बजट में मैंने देखा कि कई नए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉलेजेस हैं उसकी स्थापना का आपने जिक्र किया है, ऐलान किया है, तो आपको लगता है कि उससे लोगों तक यूनिवर्सिटीज ये कॉलेजेस पहुंचेंगे, तो जो समस्या की ओर आपने इशारा किया था उसके समाधान में मदद मिलेगी? जो देश समृद्ध हो गए हैं, उनके समृद्ध होने के पीछे उनकी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने रिसर्च किया, जो आवश्यकता है, जो समस्या है, उसके समाधान के लिए रिसर्च किए गए। तो मैं अपने यूनिवर्सिटी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे और जितने यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हो रहे हैं, वो लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए हो, लोगों को रोजगार कैसे मिल सके, वो उस प्रकार के रिसर्च हो ताकि समाज को उसका लाभ मिल सके, छत्तीसगढ़ को लाभ मिल सके, देश को लाभ मिल सके। एक और चीज की धान से एथेनॉल बनाने की बात आपने की, धान से, लेकिन उसमें बार बार जिक्र आप इससे पहले करते रहे हैं कि सेंट्रल परमिशन नहीं दे रहा है, 1 साल की परमिशन दे रहा है, वो एक व्यवहारिक दिक्कत है। तो धान से जो एथेनॉल बनेगा इससे आय तो बढ़ेगी जाहिर तौर पर, लेकिन परमिशन मिल जाएगी उम्मीद है? हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, और बजट में भी इसका हमने उल्लेख किया है, और हम आग्रह भी करेंगे और दबाव भी डालेंगे, भारत सरकार उसकी अनुमति दे, क्योंकि उनको कुछ खर्चा करना नहीं है, उनको केवल अनुमति देना है, खर्चा तो हमको करना है, और इससे बल्कि उनको पेट्रोल डॉलर की बचत होगी, भारत सरकार को अलग हम सहयोग करना चाहते हैं, वो लेना नहीं चाहते, लेकिन इस दिशा में हम काम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है सफलता मिलेगी। एक आखिरी सवाल सर, कि राम भवन पथ के जो 9 सेंटर्स हैं आपने डेवलपमेंट करने की बात की है, आपको लगता है कि ये रिलीजियस, सरकार का थोड़ा सा रिलीजियस हो जाना के तरीके से इसको देखा जाए, या फिर ये देखा जाए कि उसको एक टूरिज्म के डेवलपमेंट के तौर पर देख रही है सरकार? देखिए, ये हमारी संस्कृति है, राम हमारी संस्कृति में रचा बसा है, ये धार्मिक नहीं है, ये संस्कृति से है, और संस्कृति में ये रचा बसा है, हम उसको, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है वो बहुत समृद्ध है, छत्तीसगढ़ में यहाँ जल जंगल जमीन जो है बहुत अच्छी है, यहाँ के सुंदर सुंदर जंगल हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, गुफा है, झरने हैं, उन सबको हम प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो विश्व के पर्यटन के मानचित्र में इसको लाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो विस्तार से ये जानकारी दे रहे थे कि दरअसल जो बजट इन्होंने पेश किया है उसके लक्ष्य क्या क्या है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ रायपुर से रूपेश गुप्ता। तो लाइव आप सुन रहे थे खास मुलाकात हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की, जिस पर वो बजट में क्या खास चीजें इस बार, इस साल के बजट में लेकर के आए हैं, इन सभी पहलुओं पर बातचीत कर रहे थे हमारे साथ। और चलिए अब खबरों की ओर रुख कर रहे हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं जहां उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से भराड़ीसैंण विधानसभा में शुरू हो गया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने बजट अभिभाषण